कॉन्शियस मेरे लिए एक धक्का सा लगा कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी। तो जेनेटिक टेस्ट हो रहा था बेसिकली, जो भी मेरे अंदर सैक वैक बना था उसका। जब मैंने ये टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मैं एपला पॉजिटिव हूँ। इंजेक्शन होते हैं वो बेसिकली आपके ब्लड को पतला करते हैं ताकि आपके बच्चे तक वो ब्लड ठीक से पहुँच सके। उन्होंने मुझे बोला कि आपको डीएनए करवाना पड़ेगा, और एशियन में ही मैं दिखा रही थी तो एशियन में मेरा डीएनए होना था। और उन्होंने मुझे कुछ बॉटल्स कुछ ट्यूब से दिए जिनको उन्होंने बोला कि आपको इसमें अपना जो भी सैक है या जो भी मेरे अंदर बना हुआ था उसके कुछ पार्ट्स लेकर आने और फिर हम टेस्ट करेंगे। तो ये जेनेटिक टेस्ट हो रहा था बेसिकली, जो भी मेरे अंदर सैक वैक बना था उसका, ताकि रीज़न जान सकें वो लोग कि इंजेक्शन के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन उन्होंने मेरा डीएनए करवाया, और डीएनए के बाद हमें पता चला कि जो थर्ड टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें जो बेबी था, मुझे पता भी नहीं कि बेबी बना था या नहीं बना था, पर जो भी था सैक था बेबी था वो, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर था, एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उसका एक क्रोमोसोम मिसिंग था और ड्यू टू दैट वो बेबी बना ही नहीं। ये मुझे थर्ड टाइम पता चला। दो प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ टेस्ट नहीं हुआ था मेरा क्योंकि उनको नॉर्मल लग रहा था, और बट थर्ड टाइम में उन्होंने जो टेस्ट था ये करवाया जिससे पता चला कि उसका कोई क्रोमोसोम 21 करके मिसिंग था और इसलिए वो बना ही नहीं। और अब उन्होंने मुझे समझाया कि एक और काउंसलिंग के लिए उन्होंने मुझे फिर से गंगाराम जेनेटिक के लिए भेजा, आईसी वर्मा जो कि बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं उनके पास भेजा कि अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे और मैं एशियन गई तो मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि दीज आर कॉस्टली टेस्ट, अगर आप इन्हें करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, बट अगर आप इन्हें नहीं करवाते हो तो भी हम आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे थे वही सेम ट्रीटमेंट देंगे। तो आपने ये टेस्ट करवाए थे? मैंने उसके बाद ड्यू टू मैनी पीपल, एक्चुअली तब तक काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि मुझे मिसकैरेजेस हैं, तो लोगों ने मुझे बोला कि अब तुम्हें कहीं और किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दिल्ली में होली फैमिली करके एक हॉस्पिटल है, आई वेंट देयर और उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए। ओके तो जब मैंने ये टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मैं एपला पॉजिटिव हूँ। ये एपला पॉजिटिव क्या होता है? मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने टेस्ट करवा दिया था और मुझे लिख दिया था मेरे रिपोर्ट्स में कि मैं एपला पॉजिटिव हूँ, पर मुझे कभी डॉक्टर ने समझाया नहीं था कि ये होता क्या है। और आपने खुद से कभी जानने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था क्योंकि डॉक्टर्स ने बस मुझे यही कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फोर्थ टाइम दोबारा ट्राई करो कंसीव करने का, डोंट वेट फॉर इट, और हम इंजेक्शन्स देंगे। तो मेरे दिमाग में से क्लियर था कि मुझे दोबारा इंजेक्शन्स लगेंगे, ना ही मैंने पूछा और ना ही उन्होंने मुझे कभी ये बताया। मैं जब फोर्थ टाइम प्रेग्नेंट हुई तो जब मैं फोर्थ टाइम प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही थी तब मैंने एक एक्चुअली क्लिप देखा था एक रियलिटी शो का जिसमें शिल्पा शेट्टी जज थी और शिल्पा शेट्टी अपने मिसकैरेज के बारे में बता रही थी। तो जब वो अपने मिसकैरेज के बारे में बता रही थी तो उन्होंने जब बोला कि मुझे हर महीने इंजेक्शन लगते थे, हर दिन इंजेक्शन लगते थे और मुझे ब्लू पड़ जाता था हाथ में, तब मैंने उस क्लिप को थोड़ा ढंग से देखा और मैंने कहा यही तो मेरी स्टोरी है, या मेरे साथ ही ऐसा हुआ था थर्ड प्रेगनेंसी में। एज आई मेंशन कि मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे थर्ड प्रेगनेंसी में जो एक महीने लगे, और मेरे हाथों पर लगते थे वो, मैं हाथों पर लगा रही थी एट दैट टाइम और पेट पर भी लगा रही थी और ब्लू पड़ जाता था। तो मुझे लगा कि ये तो मेरी स्टोरी है या ये मेरे जैसा ही है। और शिल्पा शेट्टी ने वहाँ पे ये मेंशन किया था कि कोई एंटी फॉस्फोल्फेट करके सिंड्रोम है उन्हें, जो कि एक रेयरेस्ट सिंड्रोम है, और मुझे थोड़ा बहुत वो मैंने उस चीज़ से लिंक किया। एंड देन मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि मेरे में भी एपला पॉजिटिव या एंटी फॉस्फोल्फेट सिंड्रोम लिखा हुआ है। मुझे डॉक्टर्स ने कभी समझाया नहीं था ये क्या है, बस मुझे ये बोला था कि इंजेक्शंस लगते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो अगर आप मेरी जानकारी की बात करोगे तो थैंक्स टू शिल्पा शेट्टी। मदर होता है अराउंड 2% ऑफ वुमेन गेट इट, जहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है और आपके फीटस तक न्यूट्रिशन पहुँचता नहीं है।
तो समवन हु हैज ऑलवेज बीन सो हेल्थ कॉन्शियस, मेरे लिए एक धक्का सा लगा कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी, तो बहुत बड़ी हिचकी थी मेरी जिंदगी में. तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इस बार जब आप प्रेग्नेंट होंगी यू हैव टू टेक इंजेक्शंस. मैंने 7.5 महीनों के लिए इंजेक्शंस लिए, मेरे हाथ, मेरे जांगे सारे काले पड़ गए थे. अरे बाप रे. तो उस डर की हिचकी को मैंने जो पॉजिटिविटी से ओवरकम किया, फैंटास्टिक, एंड विद प्रेयर्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट पुल्ड यू थ्रू. या थोड़ा बहुत समझ में आया और मैंने फिर गूगल करना शुरू किया उसके बारे में. फिर किसी के थ्रू मुझे पता चला कि एक डॉक्टर हैं, किसी के थ्रू एक्चुअली मुझे पता चला कि एक और हैं मेरी सिस्टर की फ्रेंड जिनको ये सेम इशू है, और वो शिल्पा शेट्टी के क्लिप के बाद ही बात हो पाई. तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी ये सेम इशू था, और मेरी एक बच्ची है जो कि 5 साल की है, एंड ये पॉसिबल है. तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगी कि अगर शिल्पा शेट्टी कुड गेट प्रेग्नेंट और अदर पीपल ऑल्सो कुड गेट प्रेग्नेंट, तो मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ सक्सेसफुली, सब कुछ सही जा सकता है, कुड हैव अ बेबी. तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के बारे में बताया जिनके थ्रू उनके बेबी, मतलब वो सक्सेसफुली बेबी उनको मिल पाया. जब मैं उनके पास गई, और वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बिठा कर एक्चुअल में समझाया कि ये सिंड्रोम होता क्या है और ये क्या होता है. तो बेसिकली मैं एप्ला पॉजिटिव. फाइनली आपको एक्चुअली समझ में आया कि वो रूट कॉज इतने सारी चीज़ों का था क्या. हाँ, जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे थे वो उसका रूट कॉज क्या था. हाँ, तो थर्ड प्रेगनेंसी में आई टोल्ड यू कि जेनेटिक डिसऑर्डर था, बट दो प्रेगनेंसी में हो सकता है ये रीज़न हो कि मैं एप्ला पॉजिटिव हूँ. इसमें होता क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या सिंड्रोम कह लो आप. इसमें होता क्या है कि एंटीबॉडी आपकी बॉडीज़ में अपने आप बन जाती हैं, और उसके वजह से आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है. मुझे जो डॉक्टर ने समझाया वो ये समझाया कि बच्चे तक जो ब्लड पहुंचना होता है वो बहुत थिन पहुंचना होता है, मतलब इट हैज़ टू बी वेरी वेरी थिन. तो जब वो एक बूंद भी, उन्होंने बेसिकली मुझे डायग्राम बना के समझाया था कि अगर एक बूंद भी खून गाढ़ा होता है, हल्का सा भी गाढ़ा होता है, तो बच्चे तक वो ब्लड नहीं पहुंचता है, ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता, जिसके वजह से बच्चा बनता ही नहीं है. तो मुझे तब समझ में आया कि मुझे इंजेक्शन्स क्यों लग रहे थे या क्यों लगाने हैं. वो ब्लड थिनिंग का इंजेक्शन होता है, तो वो जो इंजेक्शन होते हैं वो बेसिकली आपके ब्लड को पतला करते हैं ताकि आपके बच्चे तक वो ब्लड ठीक से पहुंच सके. तो आपकी जो वो सिस्टर की जो फ्रेंड थी उनको भी ईच एंड एवरी डे वो इंजेक्शन लग रहा था. तो मुझे ये समझ आया कि जो भी एप्ला पॉजिटिव होंगे, जिनको भी ये सिंड्रोम होगा, उनको ये इंजेक्शन ऑन डेली बेसिस लेने पड़ेंगे टिल जब तक डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं. मैं अभी तक ये इंजेक्शन ले रही थी, लास्ट वीक मैंने ये इंजेक्शन लेना बंद किया, मतलब 35 वीक्स मैंने ये इंजेक्शन लेना बंद किया. इवन आफ्टर 35 वीक भी एक दो दिन लिया है, उसके बाद बंद किया है. इट्स पेनफुल, वेरी पेनफुल. इंजेक्शन तो पेनफुल होते ही हैं, ऊपर से डेली लेना. मेनली पेनफुल क्या होता है, वो इंजेक्शन्स आपको मसल्स में लगते हैं, आपके नस में तो नहीं लगते, तो वो आपको नीला पड़ जाता है जगह जगह, क्लॉटिंग हो जाती है. तो मैंने इंजेक्शन इस बार पेट पे लेना शुरू किया था. मुझे डॉक्टर ने कहा था कि स्टमक पे लेना इजी होता है, तो मेरा पेट का बहुत बुरा हाल था, सब नीला पड़ चुका था और सॉफ्ट टिश्यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे. डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, उनको क्लियरली दिखता नहीं था, इतनी क्लॉटिंग हो चुकी थी मुझे. तो बहुत पेनफुल होता है, और टिल 8 मंथ्स तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है. यू स्ट्रगल अ लॉट, रियली प्राउड ऑफ यू.